दोस्तों फाइनली बहुत गदर गदर कर लिया, जवान मूवी रिलीज हो चुकी है जो कि दोस्तों रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए ही रिलीज हुई है, आई थिंक, मुझे ऐसा ही लगता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इसकी ओटीटी रिलीज डेट और अपडेट्स के बारे में जो कि निकल कर आ चुकी है। मूवी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो दोस्तों आप बताओ कमेंट में मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और ओटीटी पर देखोगे या फिर थिएटर में, सारी राय कमेंट में दे देना। वैसे ओटीटी रिलीज डेट जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। नो डाउट दोस्तों ये मूवी पठान का रिकॉर्ड तो तोड़ ही देंगी, ऐसा तो लग ही रहा है, क्योंकि दोस्तों गदर की बात छोड़िए, दोस्तों गदर का रिकॉर्ड तो आसानी से टूटने वाला है, लेकिन दोस्तों जो पठान का रिकॉर्ड है जो कि बहुत बड़ा 1000 करोड़ वाला रिकॉर्ड है वर्ल्ड वाइड का, वो टूटने वाला है ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी में वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, एक्शन वैक्शन इमोशन वगैरह, बस इसके गाने थोड़े ढंग के हो जाते तो भाई मूवी ऑलराउंडर हो जाती, क्योंकि पठान के गाने नेक्स्ट लेवल थे। बात करें दोस्तों इस मूवी के बारे में, तो मूवी लोगों को पसंद आती है नहीं वो तो हमें आने वाले दिनों में पता लग जाएंगे, और इसके कलेक्शन क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो ओटीटी अपडेट है वो निकल कर आई है इसके प्लेटफॉर्म को लेकर। दोस्तों ये न्यूज़ निकल कर आ गई कि इसकी इस मूवी के जो राइट्स है वो इस बार बाजी किसने मारी है, वो है दोस्तों नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने इस बार इस मूवी के राइट्स एक्वायर किए। पिछली बार हमने देखा था कि पठान के जो राइट्स थे वो अमेजन प्राइम ने एक्वायर कर लिए थे, और बड़ी मूवीज़ के जो राइट्स हैं वो अमेजन प्राइम बहुत जल्दी एक्वायर करता है, तो अच्छा काम किया है दोस्तों नेटफ्लिक्स ने। दोस्तों बात आती है कि मूवी हमें कब तक देखने को मिलेंगी। दोस्तों एक चीज़ मैं आप सबको बता दूँ, मूवी बस अभी अभी रिलीज़ हुई है 7 सितंबर को, और ये एक ऐसी मूवी है ना जो कि 2 से 3 महीने भी लगे रह सकती है थिएटर में, वो पावर रखती है। तो दोस्तों हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन नॉर्मल जो एक टाइम पीरियड होता है किसी भी मूवी का ओटीटी पर आने का, अगर ये मूवी दोस्तों ठीक ठाक चलती है, पठान जितना अगर इसका टाइम अगर पकड़ कर चले कि पठान जितनी चली अगर उसके आसपास भी मूवी चलेंगी, तो दोस्तों ये मूवी कब तक आ सकती है। दोस्तों जितनी भी रिपोर्ट जितनी भी अपडेट्स और मेरे दोस्तों एक्सपीरियंस से जो मैं रिलीज डेट मुझे पता हो जाता है कि दोस्तों कब तक ये मूवी आ सकती है, क्योंकि एक जो मैनर है ना वही लोग फॉलो करते हैं, तो ये मूवी लगभग आपको 45 दिनों या फिर 50 दिन के बाद तक देखने को मिलेंगी। दोस्तों उसके अकॉर्डिंग और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मूवी आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में ही देखने को मिल सकती है, यानी कि लगभग दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यही है कि ये 3 नवंबर के आसपास, इस रिलीज डेट के आसपास आपको ये मूवी रिलीज होते हुए नजर आएंगी। फिलहाल दोस्तों यही अपडेट, अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, जब तक आपसे नहीं वेट हो रहा तो थिएटर पर जाकर देख लो, क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। चले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।